हे गाइस, तो अभी कार में बैठे हुए हैं और अभी मेन ब्रांच के पास तब तक नहीं खुल पाएगा, लॉक है। तभी सुबह सुबह रेडियो के जा रहे हैं स्कूल की तरफ और आज थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, 7:30 तक पहुँच जाएंगे। 7:18 हो रहा है और यहाँ पे ये भी है। आज स्कूल में ना कुछ काम हम भी करवा रहे हैं इसकी वजह से, और सुबह ठीक है। तो भी स्कूल से अब जा चलते हैं घर की तरफ। एंड यहाँ पे सारा कुछ आ गया, गिट्टी बालू। तो अभी बन रहा है स्कूल, स्कूल का कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से सारा कुछ आया हुआ है। बाकी गिट्टी कितना ज़्यादा ही है, ये पूरा वहाँ तक आएगा ना? वहाँ तक नहीं, ऐसे ढला रहा है ऐसे। चलिए तो अच्छा रहेगा, तो बहुत अच्छा बनने वाला है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और अभी आम का ये जो पेड़ है, आज हम आम तोड़े हैं। इतना अच्छा लगता है ना खुद के पेड़ से तोड़ना, और खाना बहुत अच्छा लगता है ना। तो बने रहिए, अब चलते हैं घर की तरफ, नाश्ता वगैरह भी करते हैं। थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं रहा था क्लास में, मस्त। तो अब चलते हैं, लैपटॉप उठा लिया और अब चलते हैं घर की तरफ। ये भी आ गए हैं, कार अंदर ही लगाएंगे ऐसा लगा। कार क्यों घुमा रहे हैं, अंदर खिला रहे हैं, तो जाना है। तो जा रहे हैं घर की तरफ, यहाँ पे अब खा रहे हैं पुआ। इतना खतरनाक नींद लग रहा था सुबह में जब क्लास ले रहे थे। तो अब चलते हैं घर पे और देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। बाकी जाने के बाद खाना पीना देखेंगे। सोच रहे हैं कि आज नमकीन राइस बनाए, चल के जल्दी से बनाएंगे। दही ले लीजिएगा ना इधर ही से। बाकी कितना अच्छा आना। हे गाइस, तो अभी आ गए घर पे। घर पे मम्मी बनाई थी ढोकला, जैसे जैसे देख सकते हैं वहाँ पे है, और ये खाए नहीं है, है ना? नहीं खाया। हे गाइस, तो अभी घर पे आ गए हैं और नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी लेटे हुए हैं। लंच का भी तो टाइम नहीं हुआ है, वैसे सब लोग लेट से खाए हैं, तो चावल के साथ ही खाए हैं, तो इसीलिए। बाकी अब हम भी चलते हैं, थोड़ी देर में लंच करेंगे और उसके बाद से तब सोएंगे। अभी 1:30 बज रहे हैं, नींद भी नहीं आ रहा है। प्लस बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि मनीषा घर की एक दिन सफाई कर दी तो मनीषा का तबीयत ख़राब हो गया है। तो आप लोग को यही बताना चाहेंगे कि मेरा जब मैं घर की सफाई करती हूँ ना, तो मेरे को जुकाम वगैरह हो जाता है, लेकिन हम उतना भी नहीं किया। और वो भी गलती से फ़ैन ऑन हो गया था। जब भी अगर डस्ट होता है ना, तो फ़ैन अगर गलती से ऑन हो जाए तो उस टाइम क्या होता है, डस्ट चला जाता है नाक में, और जिसको एलर्जी होता है धूल से उसके लिए तो बहुत दिक्कत है। लेकिन फिर भी अभी मेरा ठीक है। और हम आप लोग को 2-4 दिन पहले से ही बोल रहे थे पेट में दर्द हो रहा है। घर का सफाई तो हमने कल किया था ना, तो बात किए पापा जी, तो फिर उन्होंने बताया, क्योंकि क्या होता है ना कि ब्रश करते हैं तो सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता है, और ऊपर से ऐसे खाली पेट रहने से ना वो गैस बन जाता है। तो इसीलिए ब्रश करके कोई भी खाली पेट रहता है तो या तो खराई मार रहता है या फिर वो हो जाता है, आदत नहीं होता है। और ऐसे हम काफ़ी टाइम से करते हैं इसकी वजह से। तो अभी फ़िलहाल आज तो नहीं हुआ, आज भी हम गए स्कूल पढ़ाने, लेकिन आज हम लेटे हुए थे क्योंकि अब कॉलेज स्कूल गए थे और उस टाइम बस पुआ छान के लेके गए थे, तो वही ब्रेकफास्ट में अपना किए, सुबह ब्रश करके नहा धोवा के गए थे तो वही खा लिए। और उसके बाद से फिर हम सोचे कि चलो घर जाके बनाए, तो आके चावल बनाए घर पे, उसके बाद से खाना दिए, तब जाके अभी लेटे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग अगर ऐसा लगता होगा कि सफाई करने से एक दिन ऐसा हुआ है, तो नहीं, कुछ लोग ऐसे हम देखे कमेंट भी आ रहे थे कि अरे ऐसे मत बोल दो यार, कि कोई मतलब एक होता है कि सफाई करने से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ लोग बोल देते हैं। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ दिन भर बैठे रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि रंजना किचन में काम करती है और हम बैठे रहें, हम हमेशा किचन में रहते ही हैं। और ये चीज़ मम्मी को भी पता है कि हम दोनों ही किचन में रहते हैं। मम्मी बोलती है कि एक कोई किचन में रहो तो एक साफ़ सफाई कर दो, लेकिन हम दोनों ही किचन में रहते हैं, जबकि आधा से ज़्यादा काम आंटी जी करके जाती हैं उसके बाद भी।
अपना धीरे धीरे हम लोग मिल के अपना खाना पीना बनाते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो यही चीज़ है। और जिन लोगों को लगता है कि हम काम ही नहीं करते हैं, तो आप सभी को ये भी पता होगा कि मिस्टर राज जो है, ये जब तक हम खाना नहीं बनाएंगे, ना रोटी ना ही चावल इनका, तो ये खाना ही नहीं खाएंगे। तो इसीलिए, लेकिन अब हर बार ऐसे आके बताना ऑन कैमरा मुझे अच्छा नहीं लगता। और ख़ास करके जो काम मैं नहीं की होती ना, वो सब के सामने ही बोलती हूँ, वीडियो में भी बोलती हूँ कि हाँ कि ये जो चावल बन रहा है गाइज, ये इसने बनाया है, चाहे मम्मी ने बनाया है, ये हम कभी नहीं बोलते हैं कि ये चावल यहाँ पे बन गया है और ये मैंने बनाया है, इस तरह तो हम बोलते भी नहीं हैं। तो इसीलिए हमको पता है कि हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, इसीलिए लगता है कि नहीं यार। अब तबीयत ख़राब होने के बाद इतना बड़ा भी नहीं था, मम्मी कल वीडियो बना रही थी तो मम्मी समझा के बोले कि मम्मी ऐसा हो रहा है, ऐसे लगता है पेट खाली सा हो गया, मतलब लगता है कितना भूख लग जाता है उस टाइम, अब मन भी नहीं करता खाने को। तो अब दवा वगैरह खाएंगे, पापा जी नारियल पानी लेके आए थे तो वो भी पिए सुबह में। नारियल पानी तो वैसे ही पीने के लिए आया हुआ था, ऐसा नहीं कि मेरा पेट दर्द हो रहा है इसकी वजह से, वो ऑलरेडी मतलब हेल्दी होता है ना, तो इसलिए आता है घर पे, पापा जी लाते हैं, मीठा रहता है तो वही पिए। शाम के टाइम हम लोग कुछ कुछ ऐसे ही खाते पीते रहते हैं। बाकी स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में काफ़ी अच्छा लगता है, वहाँ जाते हैं तो अच्छा भी लगता है एक तरह से, और हमें लगता है कि आप लोगों को खुशी भी होती है क्योंकि आप लोग चाहते भी हो कि थोड़ा सा इधर उधर जाएं। और सबसे ख़ास बात जब आज तो मैं 7th क्लास में गई थी, और 7th वाले नहीं 6th क्लास में और 5th क्लास में गई थी, 2 क्लास आज हमने लिया, 3 क्लास आज हमने लिया। तो अच्छा लगता है थोड़ा सा ना, जब तक स्कूल में रहते हैं तो लगता है माइंड इतना ज़्यादा फ्री रहता है, सब चीज़ों को भूल के सारा ध्यान बच्चों के ऊपर देना अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे फर्स्ट नर्सरी क्लास वाले के साथ, वैसे उसमें हम जाते नहीं हैं पढ़ाने, लेकिन एक बार जाते हैं मिलने ज़रूर सबसे, क्योंकि इतने क्यूट क्यूट बच्चे आते हैं ना स्कूल में, कितना अच्छा लगता है। और कल उन लोगों के साथ जो भी वीडियो आया हुआ था, सब लोग इतना खुश हो रहे थे कि दीदी आप ऐसे ही जाया करो, अच्छा लगता है, आप बच्चों के साथ ऐसे इंजॉय करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं उनके साथ बहुत खेलती हूँ। सारे बच्चे जब भी मैं मायके जाती हूँ ना, आप लोग देखते हो ब्लॉग तो आता ही, लेकिन 1-2 दिन आता है उसके बाद से फिर मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बच्चे रहते हैं ना, तो आके बैठे रहते हैं, तो सबके साथ मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। और जब वो लोग नहीं आते हैं तो मेरा मन ही नहीं लगता है, चाहे कभी मैं जाती हूँ तो आंटी लोग नहीं रहती हैं तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और अब रात में यही करूँगी, सुबह में जो भी नाश्ता वगैरह होगा उसका तैयारी रात में ही कर देंगे, अगर हमको सुबह कॉलेज जाना होगा तो, कॉलेज बार बार निकल रहा है, स्कूल जाना होगा तो। आज दोनों ब्रांच पर गए हुए थे, मेन ब्रांच पर गए थे बस ऐसे ही घूमने के लिए, और खालिसपुर गए थे, उसमें तो अच्छा लग रहा, काफ़ी टाइम से पहले जाते थे तो लगता था कि यार कैसे जाएंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन जब हम लोग आपसे एक बात बता रहे हैं, जब से हम जब 8th क्लास में थे ना, तो मेरे को कभी कभी सर भेजते थे, मेरे को और मेरे दोस्त को, कि जाओ तुम लोग नर्सरी क्लास में जाके पढ़ाओ, तो इसलिए मेरे को हेजिटेशन नहीं होता है, चाहे कितने भी बच्चे हो क्लास में, हमको लगता है हम पढ़ा देते हैं। तो यही सारी चीज़ें, अच्छा लगता है हमको भी, एंड आप लोग को भी अच्छा लगता होगा, एंजॉय कीजिएगा अगर अच्छा लगता होगा तो। अब इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, चलते हैं, लंच का टाइम भी हो रहा है, लंच वंच थोड़ा करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय, लव यू ऑल।